नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे किराना स्टोर बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप किराना स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ही भी जानेंगे कि यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए GST नंबर कहाँ से मिलेगा और आपको सस्ते रेट पर किराना स्टोर का सामान कहाँ से मिलेगा और आपको इसके अंदर कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे किराना स्टोर बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यदि किराना स्टोर बिजनेस की बात करें तो किराना स्टोर का बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों किराना स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसके अंदर हमारे घरेलू उपयोग की चीजें लगभग सभी मिलती है, जैसे सफाई का सामान हो गया, खाने की चीजें हो गई, या फिर डायरी प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गए, या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गए, ऐसे सभी प्रकार के प्रोडक्ट आपको किराना स्टोर के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, गाँव के अंदर छोटे से छोटी गली हो या फिर सिटी के अंदर बड़ी से बड़ी मार्केट हो, सभी के अंदर आपको किराना स्टोर मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज डिमांड इतनी ज्यादा है कि बहुत से लोग किराना स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सामान की डिमांड बढ़ेगी और किराना स्टोर का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, यदि कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वह किराना स्टोर ओपन कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, आपके पास एक छोटा सा गोडाउन होना चाहिए जिसके अंदर आप स्टॉक रखेंगे। यदि आप छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको गोडाउन की जरूरत नहीं है। इसके साथ दोस्तों, आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अपने किराना स्टोर के साइज के हिसाब से और आपके पास अपने किराना स्टोर का GST नंबर होना चाहिए यदि आप लीगली तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो। इसके साथ दोस्तों, आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए और आपके पास अपने किराना स्टोर के अंदर एक फ्रिज होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों, आप किराना स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, कि आप किराना स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यानी किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी शॉप के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप यह बिजनेस घर से स्टार्ट करते हैं खुद की शॉप के अंदर तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप कहीं दूसरी सिटी के अंदर यह बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक शॉप किराए पर लेकर या फिर खरीद कर तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप बड़ा स्टोर ओपन करते हैं, बड़ा किराना स्टोर जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट रखते हैं, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आप एक छोटा सा किराना स्टोर ओपन करते हैं किसी गाँव के अंदर तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यदि आप किसी गाँव के अंदर एक छोटा किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं खुद की शॉप के अंदर तो आप आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप अच्छे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर रखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको कम से कम 150-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको एक शॉप किराए पर लेनी पड़ती है, उसके बाद अपनी शॉप के अंदर रैक बनवाने पड़ते हैं प्रोडक्ट रखने के लिए, और आपको एक फ्रिज खरीदना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब भी आप एक अच्छा सा किराना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं किसी गांव के अंदर एक छोटा सा, तो आप 100 से 150 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छे लेवल पर किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं अच्छे खासे प्रोडक्ट के साथ, तो आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए, तभी आप अच्छे लेवल पर किराना स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप लीगली तरीके से किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी शॉप का GST नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों GST नंबर के बिना आज ना तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते और ना ही कोई शॉप चला सकते, इसलिए आपके पास GST नंबर होना जरूरी है। और GST नंबर बनवाने के लिए दोस्तों आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए,
जैसे आपकी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप एक जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं अपने किराना स्टोर का और अच्छे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जी आप किसी गांव के अंदर अपने घर के अंदर यह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं छोटे लेवल पर, तो आप बिना जीएसटी नंबर के यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप अपना किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कितने प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें किराना स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसके अंदर आप बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे आप फूड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप सभी प्रकार के मसाले सेल कर सकते हैं या फिर आप डायरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप थोड़ा मोटा सामान क्रॉकरी का भी रख सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट इसके अंदर आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको सभी प्रोडक्ट की लिस्ट दी है कि आप अपने किराना स्टोर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रखेंगे, किन के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, सभी जानकारी दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना एक अच्छा सा किराना स्टोर ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर किराना स्टोर के लिए प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप सस्ते रेट पर अपने किराना स्टोर के लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप अपने एरिए की सिटी के अंदर जाएं और वहाँ होलसेल मार्केट मिलेगी। दोस्तों होलसेल मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप मिलेगी जहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट होलसेल रेट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आप उन शॉप से कॉन्टैक्ट करके अपने किराना स्टोर के लिए सभी प्रकार के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो भी होलसेल रेट पर। दोस्तों आप उनसे डेली रूटीन में कॉन्टैक्ट रखेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते रेट पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप किराना स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों जी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। जैसे दोस्तों यदि आप किसी प्रकार का फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर आपको लगभग 8-10% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और यदि आप कोई सफाई का प्रोडक्ट सेल करते हैं जैसे साबुन, सर्फ या फिर क्लीनर, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर आपको 10-15% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। इसके साथ दोस्तों यदि आप कोई क्रोकरी का सामान बेचते हैं तो उसके अंदर आपको 15-20% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस के अंदर मिलता है। दोस्तों यदि आप सभी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको सभी प्रकार के प्रॉफिट मार्जिन और प्रति महीना कमाई के बारे में एग्जांपल के थ्रू बताया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप किराना स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जी आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जी आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।